रोहित शर्मा के फैंस के लिए आखिरकार आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। रोहित शर्मा बने फिर से कप्तान। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं रोहित शर्मा के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2024 में भले ही अभी कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन आईपीएल की खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आईपीएल का ऑक्शन हाल ही में खत्म हुआ है। 19 दिसंबर को दुबई में आयोजित आईपीएल ऑक्शन में काफी कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। हालांकि आईपीएल ऑक्शन से पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर ही रहा। दरअसल मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा को अब अपनी टीम की कप्तानी से हटा दिया है। अब टीम का नया कप्तान हार्दिक पांड्या को चुना गया और ऐसे में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इसका विरोध होता हुआ नजर आया है। हालांकि मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी ने भले ही रोहित शर्मा को टीम के कप्तानी से हटा दिया हो, लेकिन अब रोहित शर्मा एक बार फिर से कप्तान बनने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसी बीच बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल टीम इंडिया को अब अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज अपने घरेलू सरजमी पर खेलनी है। हार्दिक पांड्या फिलहाल चोटिल है और वो इस स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। ऐसे में रोहित शर्मा एक बार फिर से T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी नहीं करते हैं। उनकी गैर हाजिरी में हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी जाती है, लेकिन अब फिर से रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।